आज हम लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करने जा रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चेक योर आंसर्स। इसमें पहले हमें इन इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशंस का आंसर फाइंड करना है, उसके बाद उसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं। यहाँ देखिए, चाहे लेफ्ट में देखिए या राइट में देखिए, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। तो ये कैसी है, ये है लीनियर इक्वेशन। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 10p माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर है 3p माइनस 4। इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे और इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10p माइनस 3p एंड प्लस 4। अब यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए, पहले इक्वल टू लगाएंगे, 4 की मल्टीप्लाई हमें p से भी करानी पड़ेगी और 4 की मल्टीप्लाई हमें 1 से भी करानी पड़ेगी। ओके, तो कराते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई जब p से होगी तो हो जाएगा 4p प्लस, और 4 की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो 4 बन जा 4, और बाहर क्या है, 9 है। ओके, अब यहाँ माइनस करेंगे, 10p में से 3p को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7p प्लस 4 इक्वल्स टू, ये है 4p प्लस 9 एंड 4 13। ओके, अब 4p को उठा के इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर हो गया 7p माइनस 4p, और इस प्लस के 4 को इधर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी कि 13 माइनस 4। ओके, अब 7p में से 4p को माइनस किया तो आंसर आया 3p, और इधर 13 में से 4 को माइनस किया तो आंसर आया 9। अभी p और 3 के बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का, तो 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आएगा, यानी कि p इक्वल्स टू 9/3। इसको काट देंगे, 3 बन जा 3, 3 जा 9, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई है 3। ओके, अब हमें इसे वेरीफाई करना होगा। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इस p की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। चलिए रखते हैं। यहाँ हम करेंगे वेरीफिकेशन। ओके, तो पी की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में रखनी पड़ेगी, रख देते हैं। तो 10 × p यानी कि 10 × 3 माइनस 3 × 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 × 3 प्लस 1 एंड प्लस 9। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में किसी को भी ना लेफ्ट से राइट ले जाएंगे ना राइट से लेफ्ट ले जाएंगे, लेफ्ट का लेफ्ट में आंसर होना चाहिए, राइट का राइट में होना चाहिए। देखिए 10 × 3 = 30 माइनस, यहाँ ब्रैकेट में कितना आएगा, 3 × 3 = 9 माइनस 4। यहाँ देखिए 3 प्लस 1 कितना हुआ, 4, 4 4 जा 16 हो गया, और ये प्लस 9। इधर देखिए 30 में से 9 माइनस 4 कितना हुआ, 5, माइनस करेंगे और ये 16 प्लस 9 कितना हुआ, 25। यहाँ 30 में से 5 को माइनस करेंगे तो 25, और इधर भी राइट हैंड साइड में भी कितना आया, 25। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये आपका वेरिफिकेशन भी हो गया है, और ये आपका आंसर जो आया था वो सही है। ओके,
मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।